है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस में इज द मैकेनिज्म बाय विच ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर, ओके, एंड दिस कैन टेक मेनी मंथ्स इन विट्रो। अब प्राइमोर्डियल इसमें क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कंटेनिंग द प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड एट प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल कंटेनिंग क्यूबॉइडल ग्रेनुलोजा सेल्स। आपको ये पिक्चर फिर देखना होगा, इसको आई मिनिमाइज दिस। साइमल्टेनियसली यू फोकस ऑन द डायग्राम। प्रोफेज पर अरेस्टेड था आपका यहां पर, प्रोफेज पर यहां अरेस्टेड है प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी फॉलिकल में, एंड दिस डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल कंटेनिंग क्यूबॉइडल ग्रेनुलोजा सेल्स। यू कैन सी दीज आर क्यूबॉइडल ग्रेनुलोजा सेल्स। कैन यू दिस सी दिस आउटर लेयर डार्क कलर्ड, डार्क ब्लू कलर्ड आउट ग्रेनुलोजा सेल है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में है और प्राइमोर्डियल फॉलिकल अरेस्टेड है मियोसिस वन के मेटाफेज वन में। अब क्या होगा कि सेकेंडरी फॉलिकल बनता है फिर प्राइमरी फॉलिकल से, दिस सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें फ्यू मोर ग्रेनुलोजा सेल लेयर्स आर एडेड एज वेल एज थीका सेल लेयर इज ऑल्सो एडेड इन दिस सेकेंडरी फॉलिकल। थीका सेल लेयर यहां पर नहीं दिख रहा है आपको, थीका सेल लेयर इज एडेड लेटर ऑन। सो यू कैन सी फ्यू मोर ग्रेनुलोजा सेल्स आर एडेड, मीन्स ये डिवीजन हुआ इन्हीं का, एड कहीं बाहर से नहीं, यही डिवाइड किया है, एंड दे ग्रो लाइक लेयर्स ऑफ ओनियन। दिस इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी आपका ये एंट्रम अपीयर नहीं है। एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फाइनली बिफोर ओव्यूलेशन ए टर्शरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड कंटेनिंग ए फॉलिकुलर फ्लूइड कॉल्ड एंट्रम। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल डेवलप हुआ। यू कैन सी थीका सेल लेयर, ग्रेनुलोजा सेल लेयर, मोर ग्रेनुलोजा सेल लेयर्स आर फॉर्म, ठीक है, दिस ओसाइट इज देयर एंड दिस फॉलिकल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द एंट्रम। नाउ ऑफ दीज स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स, दीज आर स्टिल कंसिडर्ड स्मॉल, बहुत सारे इस तरह से फॉलिकल होंगे टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, इनमें से एक डोमिनेंट हो जाएगा, वन विल बिकम डोमिनेंट एंड दैट विल ओव्यूलेट इन मोनो ओव्यूलेटरी स्पीसीज लाइक अस, एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द प्राइमरी ओसाइट विल रिज्यूम मियोसिस। ओव्यूलेशन तक इस ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गया, मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, और ओव्यूलेशन के बाद अब मियोसिस रिज्यूम हुआ, ओव्यूलेशन ये सब एक के बाद एक नहीं साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ओव्यूलेशन जब हो गया है दैट मींस सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो गया। सो
अब यानी ओव्यूलेशन के दौरान ही प्राइमरी ओसाइट मियोसिस को रिज्यूम किया। बहुत टाइम तक तो वो अरेस्टेड था, जैसे ही रिज्यूम किया मियोसिस इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल्स, ओके, ये सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे ही प्राइमरी ओसाइट था, जैसे ही इसने रिज्यूम किया मियोसिस, ठीक है, और ये रिज्यूम कर रहा है मियोसिस इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल्स, ठीक, क्या सिग्नल है, यही हार्मोन का LH-FSH का बैलेंस कॉम्बिनेशन जो है, किस स्टेज पर LH कितना होना चाहिए, FSH कितना होना चाहिए, जैसे लास्ट क्लास में बताया था आपको, ओके, LH जो है वो ज्यादा चाहिए, एंड एट द ओव्यूलेशन टाइम FSH एंड देयर वाज वन मोर हार्मोन आपको देखना होगा, वन सेकेंड, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन LH इज मोर, LH इज हाई इन कंसेंट्रेशन इन ब्लड, बट FSH एंड इस्ट्रोजन, हाँ, इस्ट्रोजन और FSH का लेवल बराबर है, तब ओव्यूलेशन हो जाता है। FSH और आपका इस्ट्रोजन दोनों का लेवल इक्वल हो और LH का लेवल उससे डबल हो, तब ओव्यूलेशन होगा। फिर आ रहा है समझ में आपको, ठीक है, तो एक जो है एंट्रल फॉलिकल डोमिनेट करके फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा, समझ गए, यानी प्राइमरी ओसाइट ओव्यूलेशन के दौरान प्राइमरी ओसाइट विल बिकम सेकेंडरी ओसाइट इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल्स अरेस्टिंग इन मेटाफेज मियोसिस टू एंड रेडी फॉर दिस फर्टिलाइजेशन, यानी प्राइमरी ओसाइट में मेटाफेज वन से लेकर के लास्ट में एनाफेज तक टेलोफेज तक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीटेड एंड साइमल्टेनियसली ओव्यूलेशन हैज अकर्ड, फर्स्ट रिडक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर से दूसरा अरेस्ट आता है मेटाफेज टू में, और यह अरेस्ट तब तक रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद मियोसिस टू कंप्लीट्स एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान ही फर्स्ट रिडक्शन मियोसिस वन कंप्लीट्स, ठीक, तो अब डोमिनेंट फॉलिकल जो है उसके पास मैच्योर ओसाइट है और फॉलिकुलर डेवलपमेंट से फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स का, फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये जो डेवलपमेंट हुआ वो गोनाडोट्रोपिन के कंट्रोल में है, LH और FSH के कंट्रोल में है, ओके, और इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट में साइक्लिक AMP इज एन इंट्रासेल्युलर सेकेंड मैसेंजर, ग्रोथ फैक्टर्स भी लगते हैं, साइटोकाइंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, ओके, लेकिन इन विवो मैच्यूरेशन में इन विवो मैच्यूरेशन तो बता ही दिए, ड्रग लिया डायरेक्ट बॉडी में ही खा रहा है, उससे इन विवो मैच्यूरेशन होगा।
अब हम देखते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो नाउ वी विल सी द टेक्निक्स हाउ इट इज परफॉर्म्ड। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ये फिगर बहुत छोटा है, अब ये डायग्राम को क्लियर कर दो। अब क्या होगा, आईवीएम किस पर किया जाएगा? इन सारे पेशेंट्स पर जिनको जिनके मैच्यूरेशन में प्रॉब्लम है, उस साइट के मैच्यूरेशन में। तो अगर फॉलिकल इन पेशेंट्स में हैज रीच द अर्ली टर्शियरी एंट्रल स्टेज, देन आईवीएम कैन बी कैरीड आउट, अदरवाइज आईवीएम कैन नॉट बी कैरीड आउट। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से आईवीएम कैन नॉट बी कैरीड आउट। तो अगर टर्शियरी स्टेज में पहुंच गया फॉलिकल, तो फर्स्ट जो है, अब आपने सेलेक्ट किया, मतलब अगर टर्शियरी स्टेज में है फॉलिकल्स, देन इन पेशेंट्स में ओसाइट्स नीड टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द सब्जेक्ट। लेकिन ओसाइट तो है इसके अंदर, फॉलिकल के अंदर, फॉलिकल को फाड़ना पड़ेगा ओसाइट को बाहर निकालने के लिए। क्यों फॉलिकल को फाड़ना? फॉलिकल्स को ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ओसाइट तो फर्दर फॉलिकल में मैच्योर होगा। और इसका जो टाइमिंग है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेज ऑफ द साइकिल द सब्जेक्ट इज इन। जो पेशेंट है वो किस साइकिल के किस स्टेज पर है उस पर निर्भर करेगा। ओके, जैसे कि आप ओव्यूलेशन के बाद नहीं हार्वेस्ट करोगे, यानी साइकिल के जिस भी स्टेज में ओव्यूलेशन भी का जो टाइम है, मान लो एनोव्यूलेटरी साइकिल है, ओव्यूलेशन नहीं, ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो इमेच्योर ओसाइट का ओव्यूलेशन हो रहा है, तो क्या करेगा? जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, दैट विल बी द टाइम फॉर द हार्वेस्ट। अब वो टाइम उस पेशेंट के किस तारीख में आएगा, कैलेंडर मंथ के किस तारीख में आएगा, दैट गायनोकोलॉजिस्ट विल कैलकुलेट। ओके, और यह पूरा प्रोसीजर जो है इज मॉनिटर्ड थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से ओसाइट ग्रोइंग इनसाइड द फॉलिकल्स आर एग्जामिन्ड। तो इसके बाद भी दो प्रोसीजर है, दो तरीका है, या तो हम प्राइम करें और विदाउट प्राइमिंग। तो नाउ इट इज प्राइमिंग इज डन बिफोर हार्वेस्टिंग। प्राइमिंग इज बेसिकली इन विवो मैच्यूरेशन के लिए स्टिमुलेट किया गया, यानी पहले मतलब प्राइमिंग अभी निकाले नहीं है उस साइड, फीमेल बॉडी के अंदर ही है। अब निकालने से पहले प्राइम करते हैं फीमेल्स को, एंड इन दिस प्रोसेस ओसाइट्स आर प्राइम्ड विथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG बिफोर रिट्रीवल। इन विवो हो रहा है, इन विट्रो मैच्यूरेशन में पहले ये इन विवो ट्रीटमेंट हुआ इंजेक्शन के द्वारा। किनका इंजेक्शन के द्वारा क्या इंजेक्ट किया गया? FSH या HCG, उसके बाद रिट्रीव किया जाता है। क्योंकि HCG जो है आपका
अब छोड़ो, HCG जो है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, लेकिन ये हार्मोन आपका प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है. बट इट हैज बीन सीन दैट इफ यू प्राइम दिस विथ दिस हार्मोन बिफोर प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है HCG. एंड ये जो मेडिकल दुकान पर जो किट मिलता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उस किट में इसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का टेस्ट होता है. इसका एंटीबॉडी होता है उस स्ट्राइप पर जहां पर कलर्ड लाइन डेवलप हुआ, वो बेसिकली एलाइजा है एक तरह से छोटा, वहां पर इमोबिलाइज्ड है एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. एंड व्हेन द फीमेल अप्लाइज द सैंपल ओवर दिस स्ट्रिप, और क्योंकि यूरिन में HCG रहेगा तो यूरिन को अप्लाई कर दिया जाता है, तो HCG हो गया एंटीजन. किसके लिए? उस स्ट्राइप पर जो इमोबिलाइज्ड है आपका एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एंड इन दिस प्रोसेस स्पेसिफिक बाइंडिंग विल हैपन एंड दैट एंटीबॉडी इज that antibody is associated with an enzyme which will give the colored product. और colored product आ गया, आपको लाइन दिख गया, तो that means कि HCG is present in the urine, that means the female is pregnant. अगली pregnancy test है, देखे हो ऐसा किट देखे हैं? मेडिकल स्टोर पर मिलता है 50-50 रुपए में. ओके, उसका पीछे का इम्यूनोलॉजी पढ़ ही रहे आप, पीछे का मैकेनिज्म यही है. नाम सुने थे इस हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG. आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या दिस इज द हार्मोन HCG इज द हार्मोन फॉर द मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी. ये कहां से बनता है? प्लेसेंटा से, आफ्टर इम्प्लांटेशन. तो दैट मीन्स HCG अगर है तो इम्प्लांटेशन हो गया है, समझ गए? If HCG is present, तो अब क्या होगा? प्राइम किया जाता है फीमेल्स को पहले FSH से और HCG से. ओके, उसके बाद प्राइम करने के बाद उसका लेप्रोस्कोपिक रिमूवल किया जाएगा बड़े बड़े फॉलिकल्स को देख देख के, अल्ट्रासोनोग्राफी से देख करके उसको लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करेंगे लार्ज फॉलिकल्स को. तो जो लार्ज फॉलिकल्स हैं उस पर देखेंगे तो उसके फॉलिकल्स के ऊपर लिखा हुआ तो नहीं रहेगा कि टर्सरी है या अभी सेकेंडरी है. उसके साइज को ऑब्जर्व करके जो एग्जामिनर है वो अंदाज लगाएगा, और जो सबसे बड़ा बड़ा साइज का मिलेगा उसको चुन लेगा, उसको मार्क कर लेगा, और उसको एस्पायरेशन निडल से, फाइन निडल होता है, लेप्रोस्कोपिकली उसको सक आउट कर लेगा वहां से. ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर. नाउ व्हाट विल हैपन? HCG ये तो आपको बता दिए. क्योंकि ये देखा गया है कि प्राइमिंग करने के बाद मैचुरेशन इम्प्रूव हो जाता है और क्वालिटी ऑफ ऊसाइट भी इम्प्रूव हो जाते हैं. अगर प्राइमिंग नहीं किए डायरेक्ट हार्वेस्ट कर रिट्रीव कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ ऊसाइट आफ्टर मैचुरेशन इन विट्रो
इज लेसर देन द क्वालिटी ऑफ ओसाइट एंड दैट ओसाइट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर प्राइमिंग। प्राइम करने के बाद जो ओसाइट ऑब्टेन किया उसका फिर जब मैचुरेशन किया गया इन विट्रो में तब क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी होती है, सक्सेस रेट ज्यादा है बनिस्पत बिना प्राइम किए आइसोलेट जब किया गया और उसको फिर इन विट्रो मैच्योर कराया गया तब उसका सक्सेस रेट कम है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन या फिर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आगे। तो हालांकि कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है कि क्यों एचसीजी को हम प्रेगनेंसी से पहले ही ट्रीट कर दे रहे हो फीमेल्स को, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है, प्लेसेंटा अभी बना नहीं है, आपने एचसीजी से ट्रीट कर प्राइम कर दिया, कोई इविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि कोई इसका क्लिनिकल साइड इफेक्ट है, तो अभी तक कोई इविडेंस नहीं मिला है। और हाँ, ये संभावना फिर भी व्यक्त की जा रही है कि इस तरीके से जन्मे हुए बच्चे हो सकते हैं लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ, क्योंकि अभी भी 5000 बच्चा जन्म चुका है, 5000 में से इसको फेंक दीजिएगा, ये जो डिब्बा है पन्नी रख लीजिएगा, डिब्बा में वो यूज कर लीजिएगा, तो रख लेते हैं। तो हो सकता है उन बच्चों में आगे चल के लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि अभी और 5000 में से बहुत लोग जो है बिना प्राइम के ही वो हुए हैं, आईवीएफ उनका हुआ है, तो अब आगे देखा जाएगा, ये है वो लोग रडार में, उनको उनके इच्छा पर बताना होता है कि कुछ उनको हो तो नहीं रहा है कमजोरी या किसी तरह का ऑर्गन डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटी लेटर या किसी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपीयर होना, ये सब, बट अभी तक कुछ मिला नहीं है ऐसा। फिर क्या होगा, प्राइमिंग कर दिया आप, या तो प्राइम किए या नहीं किए, अगर प्राइम नहीं किए हैं तब आपको, क्योंकि सक्सेस रेट कम है, तो कम से कम 10 मिलीमीटर साइज वाला बड़ा फॉलिकल ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर सक्सेसफुल मैच्यूरेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड देन इम्प्लांटेशन एंड देन सब स्टेप जरूरी है, मैच्यूरेशन ओव्यूलेशन क्या हो रहा था नॉर्मल प्रोसीजर वे में, पहले मैच्यूरेशन हो रहा है, फिर ओव्यूलेशन हो रहा है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन के बाद फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड लास्ट में डिलीवरी। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए ये पूरा प्रोसेस जो है जियोपर्डाइज रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उस पर, एक मैच्यूरेशन स्टेप का मॉडिफिकेशन या उसमें आपने जो किया उसका इम्प्लीकेशंस विल बी देयर ऑन द इम्प्लांटेशन, हो सकता है ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस इन सब पर उनका असर होता है, हो सकता है। तो फिर इसीलिए जब प्राइम नहीं किया जा रहा है, तो प्राइम जब कर रहे हो तो जनरली वो सब बड़े बड़े हो ही जाते हैं, लार्ज फॉलिकल हो जाते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं प्राइम तो भी जितने भी उसमें दिख रहे हैं फील्ड में लार्जेस्ट फॉलिकल्स को 10 मिलीमीटर के साइज में को ट्राई किया जाता है ऑब्टेन करने का। और ह्यूमंस में ये एस्पायरेशन नीडल का उपयोग किया जाता है, ओके, क्योंकि एनिमल अदर एनिमल्स को तो ओवरी भी निकाल लोगे, ओके, सेक्रीफाइस भी हो जाए तो कुछ दिक्कत मतलब वो नहीं होता, बट ह्यूमन में एथिकल इश्यूज हैं एंड दिस इज डन बाय विथ एन एस्पिरेशन नीडल, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड मशीन भी अटैच रहता है ताकि एक्यूरेसी रहे, यानी नीडल को क्लोजली प्लेस कर दिया जाएगा फॉलिकल के नजदीक और उस नीडल के छेद में फॉलिकल घुस जाएगा प्रेशर से,
वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम अप्लाई किया जाएगा, सक किया जाएगा, और इसका भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, कितना प्रेशर लगाया जाए, कितना, ताकि प्रेशर का भी महत्व है यहाँ, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फॉलिकल विल रप्चर। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है डिफर करता है थोड़ा थोड़ा, लैब टू लैब, लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी। ओके, सो फिर अब क्या हो गया, एस्पायरेट आपको मिल चुका है। एस्पायरेट इज द टोटल मिक्सचर ऑफ द टोटल मिक्सचर इन विच फ्लूइड इज ऑल्सो देयर, फॉलिकल्स आर ऑल्सो देयर। हो सकता है ओवरी के और फॉलिकल के बगल वाले सेल भी, कॉर्टिकल सेल्स भी हो उसमें। लेकिन अब हमको इस इससे आइसोलेट करना है एस्पायरेट से फॉलिकल्स को, और फॉलिकल्स जो है बड़ा है साइज में, कोई इंडिविजुअल सेल है, फॉलिकल तो एक मास ऑफ सेल है, क्लंप ऑफ सेल्स है, तो उसका साइज बड़ा है, तो फिल्टर का किया जाता है वहां, माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स होते हैं, और फिल्टर करके जैसे डिफाइन कर दिए फिल्टर में कि हमको मान लो 10 मिलीमीटर साइज है, तो फिल्टर का जो पोर है वो रखा जाता है आपको 8 मिलीमीटर साइज का। तो क्या होगा, 8 मिलीमीटर साइज से ज्यादा वाले फॉलिकल्स जो है फिल्टर हो जाएंगे, और कम वाले फॉलिकल या अदर सेल्स, जो भी अदर सेल्स होंगे तो इससे छोटे होंगे, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया, ये विजुअली आंख से दिखेगा बिना माइक्रोस्कोप के, तो उनको फिल्टर कर दिया, रेस्ट आउट कर दिया और इनको सेलेक्ट कर लिया फिल्टर करके। ओके, इतना समझ में आया। अब आपके पास आ गया फिल्टर्ड अबाउट टू मैच्योर और ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस different oocytes. Now you have oocytes which are about to mature. लेकिन maturation नहीं हो रहा था, आपको उनको अब mature कराना है in vitro. फिर उसके बाद उसको classify किया जाता है oocytes को, और उसमें से best जो follicles हैं उनको best जो oocytes हैं उनको हम select करें। जैसे कि जिन ऊसाइट्स के पास बड़ा फॉलिकल्स में है, क्यूमुलस सेल्स बड़े हैं, बहुत ज्यादा है उसमें, क्यूमुलस सेल्स कहते हैं। अभी इस फोटो में जो देखा लास्ट में आपने, कि जिसमें फॉलिकुलर सेल्स जब ओव्यूलेशन हुआ तो फॉलिकल के सेल्स जो है कोरोना रेडिएटा का निर्माण किए, और कोरोना रेडिएटा तो इनर मोस्ट लेयर है, उसके बाहर भी सेल्स हैं, तो उन पूरे सेल्स को बोलते हैं क्यूमुलस। तो जिसमें जितना क्यूमुलस है दैट मींस उन एग्स का उतना ज्यादा न्यूट्रिशन हुआ है, उतने ज्यादा फैक्टर्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बाय दीज सेल्स, तो उसमें से बेस्ट ऊसाइट्स आर चूजन टू मैच्योर इन द होप ऑफ देन बीइंग इम्प्लांटेड यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स। कहने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े फॉलिकल्स से फिल्टर करने के बाद जो बड़े बड़े फॉलिकल्स थे उनको रप्चर करके, मैकेनिकली रप्चर किया जाता है, मैकेनिकल सोनिकेटर होते हैं, साउंड वाइब्रेशन से भी उनको मैकेनिकल सियरिंग दिया गया, और सेल्स जो है फॉलिकुलर सेल्स दे डिसोसिएट। अब एक अब फॉलिकुलर सेल्स में ही तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अच्छा से मैच्योर नहीं हो रहा था एक, फॉलिकुलर सेल्स को डिसोसिएट कर दिया गया और वहां से ऊसाइट को रिट्रीव किया गया। ओके, आ रहा है समझ में। ऊसाइट्स को
रिसीव करने के बाद बड़े कोई एक ऊसाइट को नहीं सेलेक्ट किया जाता, कई सारे ऊसाइट्स को सेलेक्ट किया गया जिनका पोटेंशियलिटी है कि वो आगे चल के मैच्योर बन सकते हैं इन द होप ऑफ बीइंग इम्प्लांटेड यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो अब इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक लगाया जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास उन बड़े बड़े टर्शियरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो ऊसाइट है वो ऑब्टेन हो गए, आ गया। उसके बाद ऊसाइट को कल्चर किया जाता है इन मीडिया एंड दिस मीडिया इज कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऊसाइट सर्वाइवल। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड गोनाडोट्रोफिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्टेरॉइड्स एंड दिस वैरी बिटवीन क्लिनिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरीज। अब इसका रेसिपी जो है अलग अलग हो सकता है, किसी में गोनाडोट्रोफिन ज्यादा मात्रा में दे रहा हो कोई डॉक्टर, ग्रोथ फैक्टर कोई डॉक्टर बढ़ा दे रहा हो, स्टेरॉइड घटा दे रहा हो, कोई स्टेरॉइड बढ़ा के देखेगा कोई ग्रोथ फैक्टर घटा के देखेगा। तो इसका ट्राई किया जाता है इसको ऊपर नीचे करके लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दैट हैज बीन गिवन बाय मैकलॉफलिन और इसने एस्टेब्लिश किया था बायोप्सीड ह्यूमन ओवेरियन टिश्यूज पर इसने स्टडी किया एंड इन दैट टिश्यू ही अचीव्ड ए सक्सेस रेट ऑफ 10% सक्सेस रेट ऑफ मैच्योरेशन 10%। तो ये भी अच्छा है, यानी 100 फॉलिकल्स हार्वेस्ट किए तो उसमें 10 फॉलिकल तो मैच्योर हो जाएंगे, ये 10 में संभावना है। फिर आगे ये इनका इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन एंड देन इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। सो ही डेवलप्ड ए प्रोटोकॉल एंड इट इज अ मल्टी स्टेप कल्चर सिस्टम। उसका मेजर तीन बात है, वही आप ध्यान रख लो, एग्जाम में आए तो वही तीन पॉइंट लिखोगे। ये टोटल आगे बेसिक हम बता रहे हैं, 20 दिन का प्रोसीजर है, 20 डेज का। हेलो, यस सर, टोटल 20 डेज का प्रोसीजर है। इसमें 8 दिन जो है, फिर 8 दिन सेकेंड, फिर 4 दिन। तो ये इसमें क्या होता है 8 दिन 4 दिन में, कि पहला 8 दिन जो है वो कल्चर में जो ग्रोथ हुआ किसका, ऊसाइट का, एंड इन दैट कल्चर सीरम फ्री है। यानी 8 डेज ऑफ कल्चर इन ए सीरम फ्री मीडियम, 8 डे ऑफ कल्चर इन ए सीरम फ्री मीडियम विथ एक्टिविन ए। एक्टिविन ए एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और ये एक सिस्टम है इनविन के साथ ये वर्क करता है, टू क्लोजली रिलेटेड, साथ वर्क नहीं करता, टू क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बट दोनों का डायरेक्टली अपोजिट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है। 86 में ये आइडेंटिफाई किया गया था और एक्टिविन का प्रॉपर्टी ये है कि इट एनहांसेज FSH बायोसिंथेसिस एंड इट्स सिक्रीशन आल्सो एंड दिस एक्टिविन आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोटीन कम्स एक्टिविन। तो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस होल प्रोसीजर, 8 डे वाला सेकेंड स्टेज में, जिस कल्चर में ग्रोथ किया, इस ऊसाइट को ग्रो किया जा रहा है, उसमें वो सीरम फ्री मीडियम है। ओके, देखिए सीरम फ्री का मतलब क्या होता है, आप लोग सुने हो कभी, कभी कल्चर वगैरह इस सबसे रिलेटेड कुछ पढ़े हो? माइक्रोबायोलॉजी अगर कभी पढ़ोगे तो, जब कल्चर मतलब क्या होता है, सेल को ग्रो करना इन विट्रो,
इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो सेल को ग्रो, बॉडी में जब सेल है तो वो सेल तो अपना न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स वो सब रिलीज कर रहा है ब्लड में, ब्लड से ही ऑब्टेन कर रहा है और ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ब्लड से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड में ही अपना मेटाबॉलिक वेस्ट भी वो दे रहा है। और ब्लड जहां जिस ऑर्गन में जिस काम के लिए जा रहा है वहां पर, जैसे किडनी में जा रहा है ब्लड, वहां मेटाबॉलिक वेस्ट निकल गया उसका, लाइक दिस ऑल यू नो। लेकिन इन सेल्स को बॉडी से अगर हम बाहर निकाल लें तो इनका ये तीनों रूट जो है डिस्टर्ब हो गया, ना तो उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ना गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ना मेटाबॉलिक वेस्ट भी उनका निकल पा रहा है, रिमूवल हो रहा है, क्लियरेंस हो रहा है, देन सेल विल डाई। बॉडी से बाहर आने के बाद सेल विल डाई। लेकिन अगर सेल को बचाना है और उसको हम उस सेल पर स्टडी करना चाहते हैं, जिंदा रखना है सेल्स को, उसको ग्रोथ करवाते रहना है, डिवीजन कराते रहना है, देन व्हाट यू डू, यू प्लेस दोज सेल्स इन ए सुटेबल कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का कंपोजिशन होता है, उसमें कई तरह के सब्सटेंसेज होते हैं ताकि उस सेल्स को जो भी आवश्यकता पड़ने वाली चीज है उन सब कल्चर मीडियम में ऊपर से दिया जाता है। तो उसी कल्चर मीडियम में एक कंपोनेंट है सीरम, सीरम सीरम यानी सीरम आपको पता ही है क्या होता है सीरम, ब्लड माइनस सेल्स माइनस प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, या कह लो माइनस फाइब्रिनोजेन डायरेक्ट, बाकी सब सोल्यूबल है जाइमोजेन से, वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइब्रिनोजेन्स को निकाल देना है, फाइब्रिन जो कि आगे चल के फाइब्रिन बनेगा। तो क्या हो, कैसे सीरम ऑब्टेन किया जाता है, ब्लड लिए उसको छोड़ दिया गया कोगुलेट करने के लिए, अपने आप खून जम गया, उसके ऊपर पीला जैसा जो लिक्विड बचा वो सीरम कहलाता है, एंड दिस सीरम इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स हैं इसमें, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वेरियस सब्सटेंसेस आर देयर। तो अगर हम कल्चर मीडियम में सीरम को इनोकुलेट कर दें देन इट बिकम्स सुटेबल फॉर द सेल टू ग्रो, क्योंकि हमारे बॉडी में भी सेल जो है न्यूट्रिशन ब्लड में से ले रहा है और ये सीरम जो है ब्लड का पार्ट है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो यही कह रहा है। तो जनरली सीरम यूज किया जाता है किसका, कोई ह्यूमन तो देगा नहीं अपना सीरम कि आप अपना सीरम को लीजिए और उसको कमर्शियली यूटिलाइज कीजिए। सीरम इज मार्केटेड by this name BSA, ये क्या हो गया, bovine serum albumin, okay, serum से भी albumin protein को अलग कर लिया है और ये serum ही है basically, ये sorry bovine serum albumin है, serum है इसमें albumin बहुत ज्यादा है और ये ऑब्टेन किया जाता है बोवाइन से, काउ से, कैटल, बोवाइन हुआ कैटल स्पीसीज जो भी है, काउ, बफेलो, ये सब बोवाइन है, जनरली काउ। और इसमें भी कोई एडल्ट काउ नहीं,